हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पी यू अकेडमी। आज की वीडियो में हम कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा लागू किए गए एमए हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिलेबस है, इसमें 14 अगस्त 2020 को बदलाव लाए गए थे और उसके बाद से अभी तक सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो इस साल भी जो सिलेबस आपका लगा हुआ है एमए में हिंदी में, वो सिलेबस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की जो वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एमए हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखिए, नोटिस आपको दिया गया है कि शिक्षार्थी को प्रथम स्थान में 5 अनिवार्य प्रश्न पत्र या पाठ्यक्रम कोर कोर्स का अध्ययन करना है। यानी कि आपको जो पेपर देने हैं वो 5 पेपर देने हैं, ठीक है। आपको कितने पेपर मिलेंगे? 5 पेपर मिलेंगे। तो इसमें देखिए, आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है, कौन सा है? आदिकालीन एवं निर्गुण काव्य, ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न पत्र है। इसमें देखिए, आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें कि 70 मार्क्स के आपका पेपर होगा और 30 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको कोर्स आउटकम्स दिया है, ठीक है, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि आपको जो भी सिलेबस में यानी कि इस पाठ्यक्रम में आपको जो जो किताबें पढ़ने के लिए मिलेंगी, उससे आप क्या क्या चीज़ें जानेंगे, आपको क्या क्या नया जानने के लिए मिलेगा, यही सब यहाँ पे बताया गया है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो PDF है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ईजिली इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद ईजिली आराम से पढ़ सकते हैं कि आप क्या क्या इसमें जानेंगे। वैसे मैं आपको बता दूँगी कि आप इसमें क्या क्या जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो पहला प्रश्न पत्र है, ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन सी आपकी किताबें लगी हुई हैं। 5 किताबें आपकी लगाई गई हैं, जिसमें पहली किताब है अब्दुल रहमान की संदेश राशक। तो संदेश राशक जो किताब है, इसके संपादक कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। अगर आप यही किताब लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित, मतलब संपादित संदेश राशक, ठीक है, इसके रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। तो यहाँ पे देखिए, सहायक ग्रंथ में आपको एक किताब और बताई गई है कि अगर आपको ये किताब नहीं मिल पाती है तो आप संदेश राशक को हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पुस्तक है उससे भी पढ़ सकते हैं, और ये काजकमल प्रकाशन की है, नई दिल्ली की, तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही होगा कि अगर आप लोगों को अब्दुल रहमान की जो ये संदेश राशक है, ये संपादक इसके जो हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, इनकी ही किताब मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें देखिए, आपको व्याख्या के लिए क्या दिया गया है? प्रथम प्रकरण में से आपकी व्याख्या आएगी। संदेश राशक जो है एक छोटा सा काव्य है और इसमें 3 प्रकरण दिए गए हैं, ठीक है, तो ये एक विरह काव्य है, या फिर हम इसे प्रेम काव्य भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक नायिका है, वो नायक को संदेश लिखती है और संदेश भेजती है और यहाँ पे अपने पुराने दिनों को याद करती है। तो इसी सब के बारे में यहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। तो ये जो संदेश राशक काव्य है, इसका जो प्रथम प्रकरण है, इससे व्याख्या की जाएगी आपकी। और यहाँ पे जो बताया गया है कि जैसे कि ये बताया गया है कि व्याख्या के लिए ये चीज़ आएगी, मतलब जैसे यहाँ पे ही बताया गया है आपको कि व्याख्या हेतु प्रथम प्रकरण। तो यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा, उसमें आपका व्याख्या वाला जो ऑप्शन पॉइंट आता है, जिसमें कि आपको 5 में से 3 व्याख्या या 2 व्याख्याएँ करनी होती हैं, वहाँ पर आप उसे इसके जो छंद हैं संदेश राशक के, वो पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी जो आपके प्रश्न रहते हैं वो इसके अंदर से नहीं आएंगे, वो थोड़ा गाइडर से पूछे जाते हैं, जैसे कि अब्दुल रहमान के बारे में आप क्या जानते हैं, उनकी कविया कैसी है, उनकी जो कविताएं थी या उनकी जो रचनाएं थी उनके बारे में बताइए, या फिर अब्दुल रहमान के बारे में बताइए, उनका परिचय दीजिए, या अब्दुल रहमान ने संदेश राशक को लिखते समय किस तरह के विचार रखे, या उनके किस तरह के मतलब उन्होंने संदेश राशक के बारे में कहाँ से सोचा, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। बाकी देखिए, सेकंड पॉइंट में आपको क्या दिया गया है, चंद्रवरदाई द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है कैमास वध, ठीक है, कैमास वध जिसके संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त। तो
ये वाली अगर पुस्तक आपको मिल जाती है, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित पुस्तक है ये, अगर आपको ये पुस्तक मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। इसी से आप कैमांसवत के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आता है विद्यापति की, तो विद्यापति की जो पुस्तक है, संपादक है इसके कौन है, शिव प्रसाद सिंह, विद्यापति के नाम से ही आपको ये मिल जाएगी। इसमें जो आपको पढ़ना है केवल रूप वर्णन आपको पढ़ना है, ठीक है, उसी से व्याख्या पूछी जाएगी, तो आपको केवल रूप वर्णन को ही पढ़ना है, बाकी का नहीं पढ़ना है विद्यापति। और उसके बाद देखिए चौथे ऑप्शन में आती है, चौथे पॉइंट पे कबीरदास कवि वाणी पीयूष, इस नाम से आपको मिलेगी कबीरदास की कवि वाणी पीयूष। इसके संपादक हैं जयदेव सिंह या वासुदेव सिंह, ठीक है, जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह इसके संपादक हैं। और इसमें से आपको क्या पढ़ना है, व्याख्या पढ़नी है आपको, व्याख्या के लिए क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग में पहले जो साखी है उससे लेके 40 साखी तक, तो आपको 1 से 40 यानी कि 40 साखियाँ पढ़नी है, और प्रारंभ से लेके 5 पद पढ़ने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको 40 साखियाँ और 5 पद यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। और ये विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी द्वारा प्रकाशित पुस्तक होगी और ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, इजीली लाइब्रेरीज में अवेलेबल होती हैं ये, तो आपको आपकी स्कूल लाइब्रेरी में बहुत इजीली मिल जाएगी, या फिर आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए लास्ट आपका जो 5वीं बुक लगी हुई है फर्स्ट पेपर में, वो है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, ठीक है। इसके संपादक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, और ये लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित है। और इस पुस्तक में, क्योंकि पद्मावत जो है काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, तो इसमें आपको सिर्फ नागमती वियोग वाला जो खंड है वो पढ़ना है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे खंड दिए गए हैं जिसमें से आपको केवल नागमती वियोग का खंड पढ़ना है। नागमती वियोग में आपको वियोग श्रृंगार के बारे में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो कहानी है उसमें जो नागमती है, ठीक है, वो भी नायिका ही है, तो उस वो जब अपने पति के वियोग में होती है उस समय का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। आप सभी ने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो उसमें तो खैर नागमती का बारे में नहीं बताया गया है, नागमती के बारे में, लेकिन नागमती जो है वो राजा रत्नसेन की पत्नी थी, तो उन्होंने राजा रत्नसेन के वियोग में जो काव्य अपना, मतलब उस समय पंक्तियों में जो भी उन्होंने कहा है, ठीक है, वियोग भरी बातें, वही इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ नागमती वियोग खंड ही इसमें पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद देखिए आपका द्वितीय प्रश्न पत्र आ जाता है, द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए सगुण काव्य एवं गीतिकालीन काव्य, तो यहाँ पे सगुण काव्य और गीतिकालीन काव्य के विषय में बात की गई है। ये भी आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा और 30 मार्क्स आपके असाइनमेंट के होंगे इसमें, ठीक है। इसमें देखिए निर्धारित पाठ्यक्रम में आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आपके जो लगे हुए हैं वो है सूरदास का भ्रमर गीत सार, इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है भ्रमर गीत सार के नाम से है और इसमें सूरदास के पद दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको व्याख्या के लिए कितने पद पढ़ने हैं, पद संख्या 50 से लेके 75 तक, यानी कि आपको 26 पद यहाँ पे दिए गए हैं और उन 26 पदों को आपको पढ़ना है। और ये जो पुस्तक है वो नागरी पहचाननी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका तुलसीदास द्वारा जो रचित है विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी ही हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक है और इसमें जो आपको व्याख्या के लिए पद पढ़ने हैं वो पद संख्या 51 से लेकर 75 तक, यानी कि 25 पदों का आपको अध्ययन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा आता है आपका ऑप्शन, तीसरे पॉइंट में आपको केशव दास की संक्षिप्त रामचंद्रिका पढ़नी है, संक्षिप्त रामचंद्रिका के नाम से एक पुस्तक है जिसके संपादक डॉक्टर जगन्नाथ तिवारी हैं। और इसमें आपको व्याख्या के लिए प्रारंभिक 2 प्रकाश पढ़ने हैं, यानी कि मंगलाचरण और अयोध्यापुरी वर्णन को आपको पढ़ना है। ये गंजन प्रकाशन सिटी स्टेशन मार्ग आगरा द्वारा प्रकाशित की गई है। उसके बाद चौथी पुस्तक है आपकी बिहारी की बिहारी रत्नाकर, इसके संपादक हैं जगन्नाथ रत्नाकर। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या के लिए आपको प्रारंभ से लेके 25 दोहे यहाँ पे पढ़ने हैं, बिहारी के 25 दोहे, ठीक है। ये प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक है। और उसके बाद 5वीं आपकी जो पुस्तक आती है घनानंद की घनानंद कवित, घनानंद कवित के जो संपादक हैं वो हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र,
ठीक है। और इसमें आपको व्याख्या की नहीं कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, आगम से लेके 15 छंद तक पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि जितने अच्छे से आपका सिलेबस क्लियर होगा आपके माइंड में, उतनी ही अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका तृतीय प्रश्न पत्र शुरू होता है, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य छायावाद तक, ठीक है। तो यहाँ पे छायावाद तक का आपको जो आधुनिक हिंदी काव्य है उससे संबंधित पुस्तकें दी गई हैं। और यहाँ पे ये पेपर भी जो आपका होगा, ये 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 30 मार्क्स का आपके असाइनमेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली है जो आपकी पुस्तक है जो कि आपको पढ़नी है इस पेपर में, वो है मैथिली शरणगुप्त की साकेत। साकेत जो पुस्तक है वो लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित की गई है, और इसमें आपको व्याख्या के लिए केवल नवम सर्ग पढ़ना है, ठीक है। साकेत का जो नवम सर्ग है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, और पूरा नवम सर्ग आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको कोई भी सर्ग इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरी आपकी किताब आती है जयशंकर प्रसाद की कामायनी। कामायनी में देखिए, जो आपको व्याख्या के लिए पढ़ने हैं, दो ही सर्ग पढ़ने हैं, एक तो श्रद्धा और एक इड़ा सर्ग, ठीक है। इससे पहले आपने आई थिंक बीए में आपने कामायनी में से लज्जा सर्ग भी पढ़ा होगा, जिन लोगों ने बीए में हिंदी ली थी। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये श्रद्धा और इड़ा सर्ग इस बार आपका लगा हुआ है। और ये जो पुस्तक है कामायनी, ये भी लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरी पुस्तक है सूर्यकांत त्रिपाठी निकाला की राग विराग, और इसके संपादक हैं राम विलास शर्मा। और इसमें व्याख्या के लिए आपको राम की शक्ति पूजा पढ़नी है। राम की शक्ति पूजा एक काफ़ी लंबी कविता है, और इस कविता को आपको अच्छे से समझना है, जिसमें कि ये जो जब श्री राम लंका जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो उस समय पे वो माँ शक्ति की पूजा करते हैं और एक शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो रावण से लड़ सकें और उसमें विजय प्राप्त कर सकें युद्ध में। तो वही चीज़ का वर्णन यहाँ पे किया गया है राम की शक्ति पूजा में। तो ये जो पुस्तक है, ये भी लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित की गई है। उसके बाद देखिए, चौथी पुस्तक आपकी आती है सुमित्रा नंदन पंत की कश्मीर पंथ, ठीक है। ये काचमहल प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक है, और इसमें देखिए व्याख्या के लिए आपको प्रारंभ की 15 कविताएं पढ़नी है। रश्मि पंत जो है एक काव्य संग्रह है सुमित्रानंदन पंत का, और इसमें से जो 15 कविताएं हैं स्टार्टिंग की, वही आपको पढ़नी है। तो आप यही रश्मि पंत अगर आप लेते हैं काचमहल प्रकाशन नई दिल्ली वाला, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप कोई और सी किताब आप लेते हैं किसी और प्रकाशन की, तो आपको इसकी जो कविताएं हैं वो थोड़ा आगे पीछे हो गई होंगी, तो आपको वो ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। और बाकी देखिए, जो आपकी लास्ट बुक है वो है महादेवी वर्मा की संधिनी। संधिनी भी एक काव्य संग्रह है, और इसमें आपको व्याख्याएं पढ़नी है, जो कविताएं हैं वो पढ़नी है आपको 25 से लेकर 40 तक, ठीक है। यानी कि आपको 16 कविताएं पढ़नी है। लोक भारती प्रकाशन महात्मा गांधी मार्ग इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है संधिनी, महादेवी वर्मा इसकी रचयिता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपके 3 पेपर कंप्लीट हो गए हैं। फिर आता है आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र, यानी कि चौथा पेपर, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक, ठीक है। इसमें भी आपका 70 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और 30 नंबर का असाइनमेंट रहेगा। चौथे प्रश्न पत्र में देखिए, यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नामकरण और प्रमुख प्रवृत्तियाँ, नाथ सिद्ध साहित्य परंपरा, रासुकाव्य परंपरा, आदिकाल के प्रतिनिधि कवि और उनकी रचनाएँ। तो ये सब अलग अलग टॉपिक हैं, देखिए बीच में कॉमा भी लगा हुआ है, तो आपको इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे कि सबसे पहला आएगा आपका हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है। यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कब लिखना शुरू किया गया, सबसे पहला इतिहास किसने लिखा, किस समय लिखा, किस भाषा में लिखा गया, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद काल विभाजन और नामकरण, जैसे कि काल विभाजन किए गए हैं आदिकाल, भक्तिकाल, गीतिकाल, आधुनिक काल, तो ये काल विभाजन किसने किए, कब किए, क्या सोच के किए, ठीक है, और किस किस ने क्या क्या समय अवधि इसकी रखी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नामकरण, तो जैसे आदिकाल को आदिकाल कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, किसने रखा, भक्तिकाल को भक्तिकाल कहा, क्यों कहा, किसने कहा, कब कहा, ठीक है, किसने कहा, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे नामकरण में। हिंदी साहित्य का आदिकाल, नामकरण और प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो यहाँ पे हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है इसका नाम किसने रखा,
क्यों रखा और अन्य से किस किस नामों से जाना जाता है आदिकाल को, इसके अलावा इसकी जो प्रवृत्तियां हैं क्या क्या प्रवृत्तियां हैं इसकी, है ना, आदिकाल में क्या क्या होता था आदिकाल में, ठीक है। और नाथ सिद्ध साहित्य परंपरा के बारे में जानेंगे, तो जो नौ नाथ थे और 84 सिद्ध थे वो कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या परंपरा रखी साहित्य की, और नाथ साहित्य कौन कौन से हैं, सिद्ध साहित्य कौन कौन से हैं, हमें कब कब प्राप्त हुए, इस सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। फिर आता है आपका रासो काव्य परंपरा, तो रासो काव्य परंपरा के बारे में हम जानेंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो है, परमार रासो है, ऐसे जो ग्रंथ हैं हमें वो रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे कि ये कब लिखे गए और किसने लिखे और हमें कब मिले, और साथ ही हम इसमें ये भी जानते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं ये कितने असली हैं या नकली हैं, यानी कि ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं या फिर ये हमारे काल्पनिक ग्रंथ हैं, इस पर भी थोड़े से विवाद हैं, तो उनके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है आदिकाल के प्रतिनिधि कवि और उनकी रचनाएं, तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट ये पॉइंट है इसमें यहाँ पे बताया गया है कि आदिकाल के जो कवि रहे, ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी और कौन कौन से कवि उस समय रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड आता है आपका मध्यकाल, मध्यकाल और भक्तिकाल एक ही समय है, तो मध्यकाल के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें भक्तिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि भक्तिकाल का नाम भक्तिकाल क्यों पड़ा, इसका इतिहास क्या कहा कि इसका नाम भक्तिकाल रखा गया, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रवृत्तियाँ कि उस समय क्या क्या होता था, क्या क्या उसकी विशेषताएँ रहीं, प्रवृत्तियाँ विशेषताएँ एक ही होती हैं। उसके बाद देखिए निर्गुण संत काव्य और उसकी प्रवृत्तियाँ, तो निर्गुण संत काव्य जैसे कि आपको पता होगा अगर आपने एमए किया है, जाहिर सी बात है एमए कर गए हैं आप, तो हमने बीए में भी हिंदी ली होगी, तो आप सभी को पता होगा कि जो भक्ति काल है उसे दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण, तो निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य और सूफी काव्य। तो यहाँ पे हम संत काव्य और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम सूफी काव्य परंपराओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जब संत काव्य या सूफी काव्य परंपरा पढ़ेंगे तो हम उसमें क्या क्या जानेंगे कि ये जो परंपरा थी कहाँ से शुरू हुई, इसे इनमें दोनों में क्या अंतर है, इसकी क्या क्या विशेषताएँ रही हैं, इनके कौन कौन से कवि थे, ठीक है, और उन कवियों के कौन कौन से शिष्य रहे, किस तरह से इन परंपराओं को आगे बढ़ाया गया और कौन सी परंपराएँ अभी भी चल रही हैं और कौन सी नहीं हैं, साथ ही उस समय की कौन कौन सी रचनाएँ थी जो उन कवियों के द्वारा की गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका देखिए भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा, तो जैसे कि हमने देखा कि निर्गुण में दो भागों में बटी हुई काव्यधाराएं हैं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, इसी तरह भक्तिकाल में भी जो सगुण काव्यधारा है उसके अंतर्गत भी दो काव्यधाराएं बांटी गई हैं, एक राम भक्ति काव्यधारा और एक कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो यहाँ पे राम भक्ति काव्यधारा में राम भक्ति परंपरा के बारे में हम पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति काव्यधारा में हम कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में पढ़ेंगे, और भक्तिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो भक्तिकाल में जब हम राम भक्ति परंपरा और कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में पढ़ेंगे उसी में हम ये भी जानेंगे कि जो भक्तिकाल के कवि थे वो कौन कौन से कवि रहे और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ उस समय पर की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देखिए रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रमुख प्रवृत्तियाँ, लक्षण ग्रंथ परंपरा, रीतिकाल की काव्यधाराएँ, रीतिवत, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ। अब यहाँ पे हम रीतिकाल के बारे में जानेंगे, रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा, इसकी क्या पृष्ठभूमि गई, मतलब भक्तिकाल समाप्त होकर रीतिकाल की जब शुरुआत हुई तो कैसे हुई, ठीक है, क्या रीतिकाल का इतिहास है और उसकी क्या विशेषताएँ हैं, यानी कि क्या प्रवृत्तियाँ हैं, और लक्षण ग्रंथ परंपरा हम जानेंगे, तो जो लक्षण होते हैं, लक्षण ग्रंथ होता है वो, उसकी परंपरा के बारे में हम जानेंगे, गीतिकाल की काव्यधाराओं के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी काव्यधाराएँ, तीन काव्यधाराएँ, गीतिवत, गीतिसिद्ध और गीतिमुक्त, तीनों ही काव्यधाराओं को हम इसमें पढ़ेंगे, और तीनों ही काव्यधाराओं के कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका पांचवा प्रश्न पत्र यहाँ आता है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल, ठीक है, इसमें भी देखिए 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा। अच्छा, इसमें भी आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, भारतेंदु युग, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ, द्विवेदी युग में प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। तो आपका जो चौथा और पांचवा प्रश्न पत्र है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप या तो डॉक्टर
नगेंद्र की पुस्तक लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास वो लीजिए। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या डॉक्टर नगेंद्र की किताब से पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप अगर इससे आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तो उसमें काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और जो ये बुक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और डॉक्टर नगेंद्र की, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रूफ्ड बुक है ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। और बस इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है ये विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग दी गई है, और जो डॉक्टर नगेंद्र की है वो ईस्वी संवत के अकॉर्डिंग दी गई है, मतलब वहाँ पे ईस्वी में बात की गई है और वहाँ विक्रमी संवत चल रही है। तो यहाँ पे बस इतना ही अंतर है। तो आप दोनों में से किसी भी बुक को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी दोनों बुक्स हैं। और उसी से आपका जो चौथा प्रश्न पत्र है और पांचवा प्रश्न पत्र है दोनों एक ही बुक से कवर अप हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको अच्छे से कवर कर लेना है चौथे और पांचवें पेपर को, जिसके लिए आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है, या तो डॉक्टर नगेंद्र की ले लीजिए या रामचंद्र शुक्ल की ले लीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट दोनों ही बुक्स को लेके पूरे साल में दोनों ही बुक्स को कंप्लीट कर सकता है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, आपके बहुत काम आने वाली है ये बुक्स, ठीक है? इन्हें जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आप कीजिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और काफ़ी अच्छे तरह से इसमें तारीखों के बारे में आपको दिया गया है, और जो भी टाइम पीरियड आपको दिया गया है इसमें काफ़ी प्रूव्ड टाइम पीरियड है, और बहुत ही कम इसमें मिस्टेक्स हैं। तो आप यही बुक्स लीजिएगा और अच्छे से इनके बारे में पढ़िएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इसमें सेकंड पॉइंट आपका आता है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाएँ, छायावाद उत्तर युग, प्रगतिवाद प्रयोगवाद इसकी प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाएँ, समकालीन हिंदी साहित्य जिसकी पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियाँ और प्रमुख कवि आपको इसमें बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो छायावाद, प्रगतिवाद प्रयोगवाद और समकालीन हिंदी साहित्य है इस सब के बारे में बताना है। ये सब आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या डॉक्टर नगेंद्र की जो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है उसमें इजीली मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। प्रवृत्तियाँ भी मिल जाएंगी, रचनाकार भी मिल जाएंगे, रचनाएँ भी मिल जाएंगी, और पृष्ठभूमियाँ भी मिल जाएंगी, सब कुछ इजीली आपको मिल जाएगा। बस आपको उसे पढ़ना है और उसे शॉर्ट करके अच्छा करके आपको एक नोट्स की तरह से बना के लिख देना है। यकीन मानिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये, ठीक है? आगे देखिए, थर्ड पॉइंट है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें कि आपको नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी और निबंध के बारे में पढ़ना है। अगर मैं इसके लिए आपको बुक सजेस्ट करूँ तो आप इसमें पढ़िएगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो है वो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के नाम से है। हाँ, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, इस नाम से आपको एक पुस्तक मिलेगी, उस पुस्तक से आप पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी बुक है। और वरना आपको इसी में मिल जाएगा, जहाँ तक है रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा। अगर इसमें से ही मिल जाता है तो आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बच्चा हायर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है तो वो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिएगा, और उसमें आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी और निबंध के। तो यहाँ पे आपको ये जानना है जब आप इन्हें पढ़ने बैठेंगे टॉपिक्स को, कि नाटक क्या है या एकांकी क्या है, उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, निबंध क्या है, ये कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या होती हैं, कौन कौन से कवियों ने या कौन कौन से लेखकों ने किस तरह के नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी और निबंध लिखे हैं, ठीक है? जो लेखक हैं उनके कौन से निबंध या कहानियाँ या कुछ भी अधूरा रह गया, कोई नाटक अधूरा रह गया, और उन्होंने कितने लिखे, कौन से नाटक के लिए या किसी एकांकी के लिए उन्हें किस तरह का पुरस्कार दिया गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी ये एग्ज़ाम के टाइम पे, और इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए, चौथा पॉइंट है आपका हिंदी का स्मारक साहित्य, इसमें आपको संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, फीचर, डायरी और रिपोर्टर्स को पढ़ना है। यहाँ पे आपको जब आप एकांकी, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध ये सब पढ़ेंगे ना, और ये स्मरण, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, तो ये इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ और पढ़िएगा, इन सब में अंतर, जैसे कि नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है,
ठीक है। एकांकी और कहानी में क्या अंतर होता है, उपन्यास और नाटक में क्या अंतर होता है, ठीक है, निबंध में और एकांकी में क्या अंतर होता है, ऐसे ही जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है, फीचर डायरी में क्या अंतर होता है, ठीक है, यात्रा वृतांत और रेखा चित्र में, संस्मरण में क्या अंतर होता है, ये क्या होता है, ये सब ना बहुत मिलती जुलती चीज़ें हैं, इनमें थोड़े थोड़े से अंतर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये डिफरेंस को आपको निकालना होगा, इन अंतरों को आपको देखना होगा और याद करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है, जैसे आपको एक रचना दे दी और रचना का नाम दे के पूछ लिया कि क्या है, रेखा चित्र है या संस्मरण है, या फिर आपसे ये पूछ लिया कि ये किस विधा की रचना है, ठीक है, या जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है कि वो क्या है, तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे रेखा चित्र की बात की गई है, मतलब लोगों के बारे में बताया गया है रेखा चित्र है वो एक, तो हमने बता दिया कि भाई वो माटी की मूर्ति जो है वो एक रेखा चित्र है, ठीक है। इसी तरह से आपसे किसी भी रचना के बारे में पूछ सकते हैं कि ये जो रचना है ये क्या है, किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो विधाएं हैं, यानी कि जो रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है, इन्हें विधा कहते हैं, तो ये विधाएं हैं, किस किस तरह की विधाएं हैं ये, और इनमें क्या क्या अंतर है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कम्प्लीट होता है। सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के लिए मैं न्यू वीडियो के संग आऊँगी और उसी में आप सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देखिएगा। इसी तरह से हम आगे भी सिलेबस देखते रहेंगे और बाकी फिर हम इन टॉपिक्स पे एक एक करके वीडियो बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।